हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि तुमने नोटिस किया होगा, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। ऑफ गेमर्स को हटा के मैंने दी इमोर्टल गेमर कर दिया है, तो उससे तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो रहने दो, हमें वैसे वीडियोस से लेना देना होना चाहिए और नाम से नहीं होना चाहिए। तो गाइस, आज मैं एक और बार कैसल क्रश के साथ आया हूँ। गाइस, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये हर एक गेम पे मैं 3 दिन स्पेंड करूँगा। इसका मतलब ये है कि 3 दिन मैं अपने कैसल क्रश की वीडियोस डालूंगा और उसके बाद अगले 3 दिन मैं किसी और गेम की वीडियोस डालूंगा। अगर तुम्हें कोई गेम अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट करना, मेरे को बस तुम्हारी कमेंट्स चाहिए। अगर बहुत सारे कमेंट्स होंगे या फिर 5 से भी एक्सीड कर जाएंगी तो मैं उसको 4 या फिर 5 दिन तक ले जाऊँगा। और गाइज, आपको एक और चीज़ बतानी थी, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। और आज मैं आपको इस गेम के बारे में और बताऊंगा। तो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल बीचों बीच में कैसल 5 लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर दबा दिया है। इस कैसल का नाम है ड्वार्वन हॉल्स। ये देखिए गाइज, आपको दिख रहा होगा लॉर्ड्स कैसल। ये गेम का पहला कैसल है। जब हम गेम स्टार्ट करते हैं हम इस कैसल में होते हैं। उसके बाद जब हमारे पास 400 ट्रॉफीज आ जाती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमें ट्रॉफीज़ कैसे मिलती हैं। जब हमारे पास 400 या फिर उससे ज़्यादा ट्रॉफीज आ जाती हैं तो हम कैसल 2 में आ जाते हैं, जिसका नाम है अनडेड कीप। फिर कैसल 3, जिसका नाम है जीनीस पैलेस, जिसमें हम आ सकते हैं 800 ट्रॉफीज़ को एक्सीड करके। फिर डेमन्स होल्ड, डेमन्स होल्ड में हमारे लेजेंडरी स्टार्ट हो जाते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। इसका नाम है शैमन और इसका नाम है ब्लैक विच। डेमन्स होल्ड अगर हम 1100 ट्रॉफीज से ऊपर गए हैं तो हम डेमन्स होल्ड में आ सकते हैं। और लास्ट में, अभी तो मैं इसी में हूँ, 1400 से अगर ऊपर गए तो ड्वार्वन हॉल्स में। अभी मैं ड्वार्वन हॉल्स में हूँ और सो फार अभी तक मैं 600 तक पहुँचा हूँ, 1600। बस 200 और चाहिए थे मेरे को कैसल 6 में आने के लिए, पर फिर मैं बैटल्स हारता गया इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो गाइस, अब मैंने आपको कैसल्स के बारे में बता दिया है। अब आप लेवल्स के बारे में सुनिए। ये जो बिल्कुल साइड में सेटिंग्स का बटन आपको दिख रहा है, उसके साइड में ये 6 बना हुआ है और 6 एक क्राउन के अंदर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ योर लेवल, इट डिटरमाइंस दी स्ट्रेंथ ऑफ योर कैसल, गेन एक्सपीरियंस बाय अपग्रेडिंग कार्ड्स। इसका मतलब जब हम अपने कार्ड्स अपग्रेड करेंगे तो हमारा लेवल अप होगा और लेवल अप होने से हमारे कैसल की हेल्थ बढ़ेगी। तो गाइस, लेवल सिर्फ इसके लिए है। और क्लैन के बारे में आपको पता चलूँ तो चलो आप बैटल करते हैं। देखते हैं क्या मैं अब जीत पाऊंगा या फिर नहीं। बैटल स्टार्ट हो चुका है, मैंने आर्चर्स को भेज दिया है। उसके बाद मैना रिचुअल, जिससे मेरे प्लेयर्स जल्दी जल्दी से लोड हो जाते हैं। मेरे ही नहीं बाकी सबके ही होते हैं। और अब मेरी तीनों लेन्स में मेरे वो, अरे यार, इसने डायराड भेज दिया। डायराड अपनी हेल्थ रिजनरेट करता है, तो ये सीज में लिस्ट और आर्चर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आप देख सकते हैं ये डायराड। जब ये मेरे पास नहीं होता तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे स्केलेटन स्वॉर्म भी आ चुकी है। मेरे को नहीं लगता कि ये मैच मैं जीत भी पाऊँगा। ऐसे जीनी ने मार दिया है, नहीं मैं नहीं जीत पाऊंगा। एक बार तब भी कोशिश कर लेते हैं। मैंने इस लेन में स्पेक्चर भेजा पर उस पर ज़्यादा पावर नहीं आई है। इसका डायराट अभी तक जिंदा है, मतलब इसको यार इसने सबसे पहले भेजा था, इसे अभी तक जिंदा है। चलो कोई बात नहीं, अब एक और बैटल करते हैं। इस बार मैं डेली चैलेंज फॉग ऑफ वॉर में करता हूँ स्टार्ट।
फॉग ऑफ वॉर में गाइस ऐसा होता है कि हमें दिखता नहीं है आगे का कि हमारा अपोनेंट क्या भेज रहा है। ये देखिए ग्रे ग्रे हो रखा है यहाँ पे, पता नहीं चलेगा कि हमारा अपोनेंट क्या भेज रहा है, और हमारे अपोनेंट को ये भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या भेज रहे हैं। सबसे पहले मैंने भेजा जेस्टर को, जो ऊपर आपको रेड रेड कार्ड्स दिख रहे हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि उसने कोई भेजा या नहीं भेजा। अभी उसने कोई भेज दिया है, ये फ्लैश हुआ है, इसका मतलब उसने कोई भेज दिया है। नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा ये इसने यहाँ भेजा था, बात नहीं, आगे चलते हैं। अपने डेमन को भेजता हूँ मैं, चलो ये भी गया। अच्छा ये नहीं गया, कोई बात नहीं, तो जा जाएगा। ठीक है यहाँ पे ये हार गया, इसने मैना रिचुअल ले लिया, अब इसके कार्ड्स जल्दी जल्दी लोड हो सकते हैं। वैसे अभी तो मैं जीत रहा हूँ, और अर्शर यार स्कल्किंग ले लिया है इसने, पर कोई बात नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं हुआ। चलो और ये जीत गया, ये फाइट में जीत गया। वहाँ से, हाँ वहाँ से मेरा डेमन मार रहा था, कोई बात नहीं, वैसे वेल प्लेड बोल देता हूँ। गाइस जब इस गेम की वीडियो बनाते हैं तो ये थोड़ा सा लैग करता है, पर अभी फॉर्चुनेटली ये ज़्यादा लैग नहीं कर रहा है। मैंने इसका रीटेक नहीं लिया था, बाकी फर्स्ट वाली वीडियो का 3 बार रीटेक लिया था, तब जाके वो बनी थी। तो गाइस अब हम एक और बार खेलते हैं फॉग ऑफ वॉर में, फिर मैं आपके लिए कल एक नया वीडियो लाऊंगा कैसल क्रश का, उसमें मैं आपको सबसे बताऊंगा। दोस्तों देखो हमारे ओपोनेंट ने एक कार्ड भेज दिया, अभी अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ था। यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड है, हाँ ये कैसल को हिट नहीं कर रही है, मेरे को पता चल गया। ओ शिट गलत जगह भेज दिया यार, कोई तो बात नहीं, काम चल जाएगा तब भी। कोई आगे आ रहा है, पर ये कौन है ये नहीं पता, गोलम तो नहीं है, गोलम के ही चांसेस हैं ज़्यादा। ओ हॉलो नाइट, हॉलो नाइट गाइस लेजेंडरी है हॉलो नाइट, और बस यही बोलता हूँ। वैसे भी चांसेस तो बहुत ही कम है जीतने के, पर अगर हॉलो नाइट मेरे साइड पे आ गया तो मैं जीत सकता हूँ। नहीं जीत पाया। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल की वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे। कल मैं आपको सबसे बढ़िया क्लैन के बारे में बताऊंगा, और आपको कुछ अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, और जिन कार्ड्स के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज होती है जिनके खिलाफ वो बताऊंगा। कल गाइस हम ऐसे ही एक दो बैटल्स ही रखेंगे, और आपको बैटल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर बैटल्स का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं बैटल करूंगा, वो समझाऊंगा नहीं। तो गाइस आज के लिए बाय, और मिलते हैं।